प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 2014 की तुलना में ज्यादा शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के इस विजय रथ को रोक सकते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार की क्या कुछ प्लानिंग है और वो कितनी दमदार है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे, जहां नीतीश कुमार ने विपक्ष के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। अब नीतीश के मिशन दिल्ली को लेकर जेडीयू और आरजेडी क्या कहती है, जरा सुनिए। जिन मुद्दों को लेकर मूवमेंट हुआ था 74 में, उससे अधिक देश का हालत खराब है। वैसे स्थिति में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना आवश्यक था, और यही कारण है कि विपक्षी एकता चूंकि के लिए नीतीश कुमार जी ने पहल किया है। अब मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं, विपक्ष भी जागे हैं, चूंकि देश के लिए सबको है ममता, भले ही मोदी जी को भाजपा को ममता नहीं हो, लेकिन विपक्ष के लोग, सारे लोग देश को बचाना चाहते हैं, और ये मुहिम नीतीश जी ने चलाया है, सफलता मिलेगी। कि बिहार में जिस तरह अंगड़ाई ली गई, बीजेपी के सारे खेल को पलटा गया, अब देश में भी दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है, और उस मुहिम में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी से आशीर्वाद लेकर निकले हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी बीजेपी विरोधी पार्टियों के एकजुट करने के लिए सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं, और इस मुहिम में सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, और सब लोग एकजुट होकर के 25 तारीख को हरियाणा में रैली भी है, तो सभी विपक्षी पार्टियाँ एकजुट होंगी, और बीजेपी की सफाई के अभियान में जो मुहिम बिहार से निकला है वो अभी तो आगाज है, इसका अंजाम दिखेगा। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और उड़ीसा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश की मुलाकात प्रस्तावित है। राजनीतिक गलियारों में नीतीश के दिल्ली दौरे को विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा नीतीश के दिल्ली दौरे पर कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती है। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को बाढ़ और सुखाड़ में छोड़ करके मिशन इम्पॉसिबल में निकले हुए, असंभव काम को संभव बनाने गए। सफलता तो कुछ हाथ लगनी है नहीं, कुल मिलाकर कहिए कि एक राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं, पर्यटन करके लौटेंगे। कि विपक्षी दलों में एकता बनाने के बजाय अपने दल में एकता कायम कर रहे हैं, दल के लोगों का विश्वास जीते हैं, अपने नेतृत्व का भरोसा दिलाएं, अन्यथा क्या हुआ। मणिपुर में उनके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उसके पहले अरुणाचल में उनके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, तो आप अपने पार्टी में एकता तो बना नहीं पा रहे हैं और चले हैं दलों में एकता बनाने, कैसे बनेगी एकता। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो सके थे। इस बार नीतीश की रणनीति अगर सफल रहती है और सभी दल एकजुट हो जाते हैं, तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में 500 से ज्यादा सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई दिलचस्प होगी। हालांकि अभी 2024 में 1.5 साल का वक्त बाकी है, लिहाजा देखते हैं होता है क्या। नीतीश कुमार दिल्ली दौरा कर वापस लौट चुके हैं, और नीतीश के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश अपने मिशन पे पूरे तरीके से कामयाब रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का यह मिशन महागठबंधन को सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।